से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अजीत कुमार, ज्यादा पॉइंट है नहीं अजीत के नाम, लेकिन इनके पास जो स्पीड है संजय, जो हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में देखी थी, वहां का कॉन्फिडेंस, ये लीजिए गिरीश, दूसरी बार आउट, सागर कृष्णा को एडजस्ट करने के लिए गिरीश अंदर गए और दो बार लगातार उन्होंने इसका खमियाजा चुकाया है। आमतौर पर लेफ्ट कॉर्नर पर खेलते हैं और बुलंद खेलते हैं राहुल चौधरी, सागर कृष्णा को बैक किक लगाना चाहते थे क्या संजय, माना जाए जैसे रणधीर सिंह सरावत, ओ ओ ओ, ये गैर जरूरी था मनजीत, वन पॉइंट तमिल सलाइवास। आज राहुल चौधरी रुकने नहीं वाले हैं, ये फॉर्म में है। पिछले मुकाबले में राहुल कॉन्फिडेंस की वजह से सब्स्टिट्यूट किए गए थे जैसा कि उनके कोच ने बताया, और आज राहुल का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, एक मैच के अंदर किस तरह से बड़े प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस लेवल बदल जाता है। एक पॉइंट का फासला है, तमिल थलाइवास के पास लीड तो है, लेकिन अब वो लीड खतरे में दिखाई देती है। बुनेरी पल्टन मौके को चूकना नहीं चाहेंगे, डू और डाई में है राहुल चौधरी इस समय, क्या आदिता जी को निशाना बनाएंगे, सुरजीत ने कहा मैं निशाना बनाऊंगा, क्या ब्लॉक है, बहुत ही बढ़िया ब्लॉक किया था सुरजीत ने, और न सिर्फ सुरजीत का ब्लॉक, जिस तरह से पैर उठा दिए गए वहां पर काम तमाम हुआ, अन्यथा कोशिश राहुल की जारी थी। मनजीत रेड में भी आ गए, अब अजय नहीं है कोर्ट पर, अब राहुल नहीं है कोर्ट पर, रण सिंह को टैकल करके अपने स्टार्स को रिवाइव करवाना चाहिए। पंकज मोहिते रेड पर हैं, दूर से देखने में मनजीत के जुड़वा भाई लगते हैं। पंकज मोहिते चार के डिफेंस पे, और ये देखिए रडर आउट, वन पॉइंट तमिल सलाइवास। लेकिन ये डुओ डाई रेड है, यहाँ डिफेंस नहीं रेडर पे नजरें रखी है। पंकज मोहिते पिछली डुओ डाई रेड में आउट हुए थे, रण सिंह नंबर 13 क्या हाई फाइव पूरा कर लेंगे, डुओ डाई यानी कि लाल बत्ती बार बार जल रही है, पंकज मोहिते को कामयाब होना होगा, कामयाब हो गए। रण सिंह ने पहली गलती की, लेकिन तब की जब 3.5 मिनट बाकी थे और एक एक पॉइंट 10 लाख पॉइंट्स के बराबर था। अब अजय ठाकुर की मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि सुरजीत अंदर आ गए हैं, अजय सुरजीत अंदर आए हैं, लेकिन अजय क्या आउट है, यहाँ अगर तलाइवास ऑल आउट हो गए तो लीड पुनेरी पल्टन की निर्णायक हो जाएगी। अजीत ने अपना ऑल आउट बचा लिया है, 2 शिकार, साथ में बोनस भी मिलेगा, पूरा स्टेडियम गूंज उठा है, बोनस प्लस 3, क्या अजीत ने तमिल तलाइवास को जीत दिलवाने के नजदीक खड़ा कर दिया है, ये सुपर रेड है। नंबर 44 विनीत शर्मा है जो एक रेडर है, और उन्होंने काम किया, क्या बात है, वन पॉइंट तमिल तलाइवास, स्कोर बराबर, विनीत शर्मा ने दूसरा टैकल पॉइंट लिया, क्या गजब का ये मुकाबला, शुरू से ही इस बात का अंदाज था कि ये मुकाबला जहां खत्म होगा वहां रोमांच अपनी सारी सरहदें पार कर चुका होगा, एक और टाई है इस मुकाबले के अंदर।